डेयर स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेशन वी हैव लर्नड अबाउट मैटर ए एंड स्टेट्स नाउ आवर टॉपिक इज सब टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजबल जो मैटर की स्टेट्स हैं ये अगर कोई सॉलिड हो ये लिक्विड में चेंज होता है लिक्विड गैस में ऐसे ही गैस फिर से सॉलिड में चेंज होता है फिर सॉलिड फिर से लिक्विड इसीलिए जो मैटर की स्टेट्स है ये इंटरचेंजबल है सॉलिड कभी लिक्विड बनता है लिक्विड कभी गैस बनता है ऐसे गैस कभी लिक्विड बनेगा और लिक्विड कभी सॉलिड बनेगा यू ऑलरेडी नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हम सबको पता है कि जो वाटर है, ये तीनों स्टेट्स में मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में भी लिक्विड स्टेट में भी एंड गैसेज स्टेट में भी नॉर्मल कंडीशन में जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में होता है सॉलिड स्टेट में ये आइस की फॉर्म में होता है और गैसियस स्टेट में ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है जब हम इस जो रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है और इसको जब हम हीट देते हैं ये बॉयल करना स्टार्ट होता है तो इस पर वेपर्स आते हैं और जो वेपर्स हैं हीट की वजह से ये किस में चेंज हो गया वेपर्स में तो क्या बन गया लिक्विड से ही गैस तक बन गया सी हियर वी हैव एन एग्जाम्पल पहले हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में ये आइस फॉर्म में होता है और इस आइस को हमने हीट दी ये आइस मेल्ट हुआ और लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो गया तो इस प्रोसेस को हम इधर मेल्टिंग कहते हैं फिर इस वाटर को हमने फिर से हीट किया इस ये बॉयल करना स्टार्ट हो गया इसमें वेपर्स हो आ गए तो लिक्विड स्टेट से ये गैसिस स्टेट में चेंज हो गया तो इसको हम इवापोरेशन बोलते हैं फिर जो ये स्टीम ये गैस है इसको हमने कूल किया बन गया वाटर इस प्रोसेस को हम कॉन्डेंसेशन बोलते हैं और यही वाटर इसको हमने फिर से कूल किया बन गया फिर से सॉलिड इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं तो हमने यहाँ पर चार प्रोसेस पड़ी मेल्टिंग इवॉपरेशन, कॉन्डेंसेशन एंड फ्रीजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट मेल्टिंग मेल्टिंग वो प्रोसेस हैं जब एक सॉलिड को हम हीट देते हैं उसके पार्टिकल्स लूज अप होते हैं और ये लिक्विड स्टेट में चेंज होता है इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं मेल्टिंग में हीट हमें हेल्प करती हैं नेक्स्ट हमें है इवाप्रेशन और जब हमने इसी लिक्विड को सॉलिड से जो लिक्विड बन गया विद द हेल्प ऑफ हीट उसको हमने मेल्टिंग बोला और जब यही लिक्विड हम फिर से हीट करते हैं तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं तो जब हाँ ये स्टीम है लिक्विड को हमने फिर से बॉयल किया ये स्टीम में कॉन्वर्ट हो गया मॉलिक्यूल्स फ्री बन गए लिक्विड गैस में चेंज हो गया इस प्रोसेस को हम इवॉपरेशन कहते हैं इवॉपरेशन भी हीटिंग की ही हेल्प से होती है और जब इसको स्टीम बन गई इसको हमने कूल cool डाउन किया कि ये जो स्टीम है ये फिर से लिक्विड फॉर्म में कॉन्वर्ट हो गई लेकिन यहाँ पे हमने हीटिंग की हेल्प नहीं ली यहाँ पे हमने इसको कूल cool डाउन किया तो ये गैस बैक वापस लिक्विड में कॉन्वर्ट हो गए इस प्रोसेस को हम कॉन्डेंसेशन कहते हैं लाइक वन अ गैस इज कूल्ड इट्स मॉलिक्यूल्स कॉन्डेंस और कम्स क्लोजर क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते वो फ्रीली मूव कर सकते लेकिन जब हमने इसको कूल किया ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा नज़दीक आने लगे ये बैक हो गया किस में लिक्विड में इस प्रोसेस को हम कॉन्डेंसेशन बोलते हैं और जब यही लिक्विड हमने इसको फिर से कूल किया मोलिक्यूल्स फिर से क्लोज आ गई तो ये किस में ये फ्रीज हो गया है ये सॉलिड में आइस में फिर से कॉन्वर्ट हो गया और इस प्रोसेस को हमने फ्रीजिंग कहा तो कितनी प्रोसेस हमने पढ़ी चार मेल्टिंग इवॉपरेशन कॉन्डेंसेशन एंड फ्रीजिंग इवॉपरेशन जो मेल्टिंग है उनमें हम हीट की हेल्प लेते हैं लेकिन जो कॉन्डेंसेशन और फ्रीजिंग है इसमें हमें कूल cool करना है नाउ सॉलिबिलिटी वेन अ लिक्विड डिजोल्वज अ सॉलिड सबस्टेंस इन इट जब वेन अ लिक्विड डिजॉल्वज अ सॉलिड सबस्टेंस इन इट इट दिक्सचर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन जब हम एक सॉलिड सबस्टेंस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सबस्टेंस हमने लिया नमक या हमने लिया शुगर वो हमने वाटर में ऐड किया वहाँ पे हमने वो डिजॉल्व किया जो हमने सॉलिड सबस्टेंस वो कम हमने लिया इधर हमने वाटर लिया और हमने शु, इधर हमने सॉल्ट लिया और हमने शुगर लिया वो हमने लिक्विड में डाला लिक्विड वाटर जो लिक्विड है वो है सॉल्वेंट और तो जो हमने इसमें सॉलिड सब्सटेंस डाला वो है सोल्यूट जब हमने उनको मिक्स किया ये बन गया एक सोल्यूशन सी द सॉलिड सबस्टेंस विच डिज़ोल्वज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सोल्यूट वो सॉलिड सबस्टेंस जो हमने लिक्विड में डिजॉल्व किया इसको हम सोल्यूट बोलते हैं एंड द लिक्विड इज कॉल्ड और जिस लिक्विड में हमने ये सोल्यूट डिजोल्व किया उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं फॉर एक्जाम्पल हमारे पास शुगर है शुगर हमने वाटर में ऐड किया शुगर बन गया सोल्यूट और हमने इसको वाटर में ऐड किया वाटर है सॉल्वेंट और जब शुगर और वाटर को हमने मिक्स किया ये बन गया शुगर सोल्यूशन इन द एबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट टू डिज़ोल्व इन अ सोलवेंट इज़ नोन एज इट सॉलीबिलिटी हाँ अब आ गई बात सॉलीबिलिटी ये एक एबिलिटी है सोल्यूट की कि ये कितना डिज़ोल्व हो जाएगा सोलवेंट में इसको हम सोलिबलिटी कहते हैं हमें पता है कि जो वाटर है ये यूनिवर्सल सॉलवेंट है यूनिवर्सल सॉलवेंट मतलब क्या होता है कि मैगजिम uh, जो सोल्यूट हैं वो इसमें डिज़ोल्व होते हैं सबस्टेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर सॉलेबल वो सब स जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में इसका मतलब है वो सॉलेबल इन वाटर हैं दोस दैट डू नॉट आर इन सॉल वो सबस्टेंस लाइक like हमारे पास सैंड है वो वाटर में डिजोल्व हो, नहीं होती वी कॉल एज सैंड इज इनसॉलेबल इन वाटर सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर हैव अ नाइस डे टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फी अमानी थैंक यू